नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजी स्टडी स्टूडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा, सेकंड कैसे होगा, थर्ड कैसे होगा, मैं बता चुके हैं आपको। आप हमारी वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। आप हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात कह रहा है कि शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य को आपको वेरीफाई करना है। तो हम किस तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे और कैसे हम शून्य निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और यू कॉमन है, बता दिया आपने। तो क्या बचेगा, एक तो यू बचेगा प्लस इसमें 2 बचेगा, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें सीधो पार्ट था नहीं, आगे अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती तो हम जो है इसको और लेंथी तरीके से करते, लेकिन इतना ही है, इसके बाद में कुछ नहीं है। तो जब जब 4u u प्लस 2 का मान शून्य है तब 4u इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो u इक्वल टू 0 अपॉन 4 आएगा एंड u इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। तो u इक्वल टू 0 आ गया एंड u इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, यानी अल्फा इक्वल टू तो 0 आ गया आपका और बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे हम। सत्यता की जांच किस तरीके से हमें करनी है, वही है सत्यता की जांच। किस तरीके से करना है, 4u सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो बी हमारा ये है और ए हमारा ये है, ये हो गया बी और ये हो गया ए। ठीक है, तो अल्फा क्या है, 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू बीटा माइनस का बी है 8 अपॉन ए क्या है 4। ठीक है, तो माइनस का 2 इक्वल टू 4 टू जा माइनस का 2, ये हो गया वेरीफाई। अब बात करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा क्या है, 0 मल्टीप्लाई बीटा क्या है माइनस का 2 इक्वल टू सी, हमारा यहाँ पे है सी जो है वो 0 है यहाँ। ठीक है, तो ये सी 0 हो गया और ए हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा और 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये हो गया आपका वेरीफाई वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया कि सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद दोनों का इक्वल दोनों का गुणनफल निकाला। तो हमने ये सीखा कि किस तरीके से शून्य निकालते हैं और शून्य को किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो प्यार बच्चों समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।